हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग ऐप कैसे यूज़ करते हैं और उसमें अपन वीडियो जो है कैसे एडिट कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको प्ले स्टोर में जाके काइन मास्टर पहले डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इसलिए मेरे में ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो आइए इसे ओपन कर लेते हैं। अब मैं इस पर 16:9 पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये मुझे ऑप्शंस दे रहा है कि मुझे इमेज स्टोर करनी है या वीडियो स्टोर करना है। ऐसा इंटरफेस होता है। इस पे मीडिया पे जाके यदि आपको इमेज डालनी है तो इमेज एसेट आप ले सकते हैं कोई भी। इतने सारे ऑप्शंस हैं, किसी भी सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे मैं अभी ब्लैक वाला ले लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं नीचे आ गया है। इसे बैक कर लेंगे और इसे हल्का सा एक्सटेंड कर देंगे। उसके बाद मीडिया में जाके आपके पास जो भी इमेजेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्क्रीनशॉट, तो ये सारी इमेजेस में हैं। मैं इनमें से कोई भी एक इमेज जो है ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर लिए, मुझे एक से ज़्यादा इमेज चाहिए उसके लिए मैं इन्हें और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं नीचे ये इस तरीके से आ जाती है। तो वीडियो में इमेज कैसे ऐड करते हैं ये हो गया। अब इसमें यदि अपन को वीडियो ऐड करना है, कोई भी वीडियो मीडिया जो है वो ऐड करना है, तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ। ये अभी नहीं चाहिए। इसको हटाने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये हट जाएगा। अब ये कर्सर को मैं इधर पे रखता हूँ और मुझे कोई मीडिया ऐड करना है। इस पर ऐड करने के लिए मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी वीडियो आपको लेना है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर वीडियो हैं कुछ, ये इमेजेस हैं, मैं वीडियो देख लेता हूँ। जैसे ये वीडियो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसे मैं क्रॉस करके बंद कर दूँगा। ये आप देख सकते हैं वीडियो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसमें इमेजेस और वीडियोस ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आइकन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस पर अपन ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला इफ़ेक्ट देना है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा। आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला इफ़ेक्ट है, ये थर्ड इफ़ेक्ट है। तो ऐसे करके यहाँ पर इफ़ेक्ट अपन चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ और इसको बैक कर देता हूँ। सेम इस वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पर भी मैं एक इफ़ेक्ट दे देता हूँ, ये। तो अब आप इसे प्ले करके देखेंगे तो ये इफ़ेक्ट के साथ मूव होगा, ये देखिए। अब इसमें यदि अपन को कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। इस पर टेक्स्ट आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे जो भी आपको यहाँ पे शो करना है। क्लिक करके ओके कर दीजिए। इसे जूम कर लीजिए हल्का सा और जहाँ भी प्लेस करना है वहाँ से मूव कर दीजिए। अब इसमें भी एडिटिंग होती है, जैसे उसका फॉन्ट चेंज करना है तो यदि ये वाला फ़ॉन्ट डालना है तो आप देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। वैसे ही इस पर कलर चेंज करना है तो कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर से मैं ग्रीन कलर चूज़ कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का हो गया है। और भी एडिटिंग है, इसमें एनिमेशन डाल सकते हैं कि ये किस तरीके से आना चाहिए वीडियो के बीच में। एनिमेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फेड का ऑप्शन है, ये देखिए फेड हो रहा है। पॉप का ऑप्शन है, मुझे ये सही लग रहा है, इसे मैं डाल सकता हूँ। इससे नीचे आप देखेंगे जो स्केल दिया हुआ है, इसमें ये आप इसकी स्पीड भी सेट कर सकते हैं
कितनी स्पीड से ये चलेगा। मैं 1 पे रख देता हूँ इसे और बैक कर लेता हूँ। ये था इन एनिमेशन। एनिमेशन को आउट करने के लिए, जब ये टेक्स्ट आउट होगा वीडियो से, तो उसके लिए आपको आउट एनिमेशन पे जाना है, उस पर क्लिक कर देना जो भी आपको चाहिए। ये देखिए कैसा फेड आउट हो गया ये पूरा। तो ये मैंने चूज़ कर दिया इस पर। अब ये जो टेक्स्ट है इस पर यदि मुझे आउटलाइन देनी है, तो ये आउटलाइन वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करके एनेबल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया है और इसमें आउटलाइन जो है वो क्रिएट हो गई है। इसकी ये भी आप अरेंज कर सकते हैं कि कितनी आपको थिक आउटलाइन चाहिए। बैक करेंगे इस पर, शेडो भी कर सकते हैं, शेडो पे क्लिक करेंगे आप, ये देखिए चेंज हो गया। सेम चीज़ बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मुझे यदि चेंज करना है तो मैं इस पर जाके कलर चेंज करूँगा। यदि मैं रेड में क्लिक कर देता हूँ, अब देखिए बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है। अभी मैं इसे वाइट कर देता हूँ, ये देखिए वाइट हो गया है। और इसे मैं बैक करूँगा तो आप देख सकते हैं, यदि मैं इस वीडियो को यहाँ से प्ले करूँगा तो यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये पूरा वीडियो मूव हो रहा है और इमेजेस के बाद अब यहाँ से वीडियो चालू हो गया है, तो इसमें साउंड भी आ रहा है। अब यदि ये जो वीडियो है ये मैं प्ले करूँगा, अब यहाँ से यदि मुझे ये वीडियो को कट करना है, तो सिंपली कट करने के लिए क्या करना है, इस वीडियो पे क्लिक करना है, ट्रिम वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ट्रिम लेफ्ट, ट्रिम राइट, स्प्लिट और स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम। तो पहले बात कर लेते हैं ट्रिम लेफ्ट की। जैसे ही मैं ट्रिम लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो इस लाइन के लेफ्ट पे जितना वीडियो है वो सारा डिलीट हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाता है। ये देखिए मैं इसे अंडू कर देता हूँ। अंडू करने के लिए लेफ्ट तरफ में जो सेकेंड ऑप्शन है एरो का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये अंडू हो जाता है। सेम चीज़ वीडियो पे क्लिक करेंगे, कर्सर को मूव करेंगे जहाँ से कट करना है, वीडियो में क्लिक करने के बाद ट्रिम, और यहाँ से स्प्लिट यदि मैं करूँगा, राइट करूँगा तो राइट तरफ का वीडियो चला जाएगा, स्प्लिट पे क्लिक करूँगा तो 20 से डिवाइड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यदि मुझे इतना वीडियो नहीं चाहिए है तो इसमें मैं क्लिक करके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये वीडियो डिलीट हो जाएगा, अब ये सिर्फ इतना ही चलेगा। तो इस तरीके से आप वीडियो इसमें डाल सकते हैं। अब यदि मुझे इस पर म्यूज़िक डालना है तो क्या करेंगे, म्यूज़िक इस पर डालने के लिए जहाँ से डालना है वहाँ पर कर्सर को रख देंगे। ये रेड लाइन आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है। अब यहाँ पर ऑडियो वाले सेक्शन पे जाएंगे, ऑडियो वाले सेक्शन पे जाने के बाद आप देख सकते हैं म्यूज़िक, और ये पहला म्यूज़िक इस पर पड़ा हुआ है कम अलोन का, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड पे क्लिक कर दूंगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, प्लस साइन प्ले का, और टाइम पीछे बताया हुआ है कितने मिनट्स का ये ऑडियो है। प्लस पे क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं नीचे आ गया है वीडियो, ये म्यूज़िक ऐड हो गया है। अब इसे यदि मैं प्ले करूँगा तो ये दोनों म्यूज़िक इसमें आ रहे हैं। अब यदि ये म्यूज़िक का वॉल्यूम मुझे कम करना है, क्योंकि मेरे वीडियो में ऑलरेडी वॉल्यूम है, तो इसे कम करने के लिए आपको ये म्यूज़िक सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है, स्प्लिट का ऑप्शन भी है। अब आप इस पर मिक्सर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए यदि मैं इसे 19% या 20% पर रख देता हूँ, इसे बैक करता हूँ, आप देखिए आपको ये म्यूज़िक बहुत कम सुनाई देगा। तो इस तरीके से आप इसे एडिट कर सकते हैं। अब इस वीडियो के एंड पे यदि आप देखेंगे, इसे मैं मूव करता हूँ,
तो मेरा वीडियो यहाँ पर एंड हो गया है, बट जो म्यूज़िक है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो इस म्यूज़िक को, जो एक्स्ट्रा वाला म्यूज़िक है, इसे हटाने के लिए म्यूज़िक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, देखिए स्प्लिट का ऑप्शन है, ट्रिम एंड स्प्लिट, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से लास्ट वाला ऑप्शन स्प्लिट पे क्लिक कर देंगे। अभी आप देखिए ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ये और दूसरा ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है जो मुझे नहीं चाहिए, इसे मैं डिलीट से डिलीट कर दूंगा, ये हट गया। अब मैं आपको ये वीडियो एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए अभी ये सामने का जो वीडियो यहाँ ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसमें भी एक म्यूज़िक डाल देता हूँ। ऑडियो पे जाएंगे, म्यूज़िक, यहाँ से ये आप सारे म्यूज़िक जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तभी मैं म्यूज़िक पे जाता हूँ, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्लस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये म्यूज़िक आ गया है, क्रॉस कर देंगे। अब आप देखिए इस तरीके से ये आ जाता है। ये जो म्यूज़िक है ये मुझे वीडियो के नीचे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे म्यूज़िक डाला हुआ है। तो इस कर्सर को मैं यहाँ पर रख दूँगा, और यहाँ पे ये म्यूज़िक वाला जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया ऑलरेडी ये, तो यहाँ से इसे ट्रिम एंड स्प्लिट पे क्लिक कर दूँगा, और लास्ट ऑप्शन स्प्लिट। अब ये जो वीडियो है यहाँ से डिवाइड हो गया है म्यूज़िक, और ये जो एक्स्ट्रा वाला म्यूज़िक है इस पर क्लिक करके मैं इसे डिलीट कर दूँगा। तो ये देखिए यहाँ से डिलीट हो गया है, और ये वाला म्यूज़िक भी मुझे नहीं चाहिए, ऐसे ही मैं डिलीट करके अलग कर देता हूँ। अब अपन देखेंगे इसे, तो ये पूरे तरीके से एडिट हो चुका है, और यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो इस तरीके से आप कोई भी वीडियो एडिट कर सकते हैं। मैंने इसमें आपको ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स भी बता दिया है कैसे डालना है। तो इस तरीके से आप कोई भी वीडियो इस पे ऐड करके एडिट कर सकते हैं, इमेजेस एडिट कर सकते हैं। और एक लास्ट चीज़, इस पे यदि आपको अपना वॉइस रिकॉर्ड करना है, तो वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए आप नीचे देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड का, इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने स्टॉप कर दिया इतने पे, अब ये जो वॉइस यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है। म्यूज़िक बहुत तेज़ आ रहा है, मैं पहले म्यूज़िक का जो वॉल्यूम है उसे कम कर देता हूँ। उसके लिए आपको म्यूज़िक को है सिलेक्ट करना है, मिक्सर पे जाएंगे और वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि मुझे मेरा वॉइस यहाँ पे शो ऑफ करना है, इसे बैक करूँगा। अब वीडियो को प्ले करते हैं। ये आप देख सकते हैं, तो ये पूरा वीडियो एडिट हो चुका है। अब इसे एक्सपोर्ट करने के लिए ये जो ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप इसे कितने HD पे चाहिए, SD पे चाहिए, या जो भी फ्रेम रेट आपको चाहिए उस पर आप इसे सिलेक्ट कर देंगे। इसे मैं HD 720 पे कर देता हूँ, फ्रेम रेट 30, 25 जो भी आपको लगता है, पर 30 पे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा वीडियो क्वालिटी आता है। उसके बाद सेव एस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट होना चालू हो जाता है। ठीक है, अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं करना है। तो इस तरीके से आप कोई वीडियो एडिट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो इसे लाइक करें, और यदि कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। सो थैंक यू गाइस, यही था आज का वीडियो, थैंक यू सो मच।